आ जाओ अब।
वो बारिश का हो रहा है, बिल्कुल 5 बजने वाले हैं और जो है बारिश हो रही है। मैंने खिड़की अभी खोली है, सुबह से बंद थी, बहुत हफ्स हो गया था हमारे घर में, ये थोड़ी सी खिड़की खुली है तो ठंडक आती है। यहाँ से सामने घर बना हुआ है, इतनी कोई हवा तो नहीं आती है, लेकिन जो है यहाँ से थोड़ी सी ठंडक आ रही है और बारिश जो है वो फुहार हल्की हल्की हो रही है। नीचे हमारे जो है वो गाय के साथ एक मुझे लग रहा है बकरा भी आ गया, क्योंकि आवाज़ें उसकी कुछ इस तरह से आ रही हैं। मनाहिल जल्दी से ज़रा खा लो। तो जी मैंने जो है वो थोड़ा सा खाना खा लिया है, और इसलिए खाया क्योंकि मेडिसिन खानी है, तो कुछ मेडिसिन में ज़्यादा एंटीबायोटिक्स वगैरह होती हैं, तो उस वजह से जो है वो खाना खाना पड़ता है। तो काफ़ी जो है वो मेरे तबीयत जो है वो इश्यूज़ चल रहा है, बीपी हाई एंड लो का, और वॉक भी नहीं की जा रही है। कुछ सिचुएशन इस तरह की हो रही है कि पहले भी पिछले साल भी मेरी तबीयत ख़राब हुई थी और डॉक्टर ने मुझे वॉक करने का ही कहा था, तो साथ में मेडिसिन दी थी और बारिश की खुशबू आ रही। और जो है अभी भी जो है वो मैंने मेडिसिन ली है, तो वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन वॉक ना की नहीं जा रही है क्योंकि खुर्रम जो है वो बहुत ज़्यादा लेट आते हैं, तो उस टाइम मेरी जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं होती और ना जा सकते हैं क्योंकि बहुत लेट होता है। और पहले तो हम जहाँ पे जिस एरिया में रहते थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा रौनक होती थी, वहाँ पे लेट नाइट भी चले जाते थे, तो कोई इशू नहीं था, लेकिन यहाँ पे अभी जहाँ हम रहते हैं तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा हो जाता है रात में। 12-1 बजे जो है वो बिल्कुल जाना जो है वो सही नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह सब बंद हो जाती हैं, इस वजह से जाना सही नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो वॉक करना करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं वॉक करती हूँ ना तो मेरा ठीक रहता है हिसाब किताब, ब्लड सर्कुलेशन मेरी हो जाती है, अदरवाइज़ मेरी जो हार्ट बीट्स हैं वो सही से पंपिंग नहीं होती है, बहुत ज़्यादा इशू है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती है, उसीलिए जो है वो मुझे जो डॉक्टर है उसने मुझे कहा था वॉक करना बहुत ज़रूरी है। तो ब्लड्स के जो है वो इशू हैं, इस वजह से जो है वो करना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा, वरना तो हो जाती है, क्योंकि अभी जो दौर चल रहा है ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाला, स्ट्रेस वाला दौर चल रहा है, नफसा नफसी का एक तरह से आलम हुआ हुआ है, मैं तो यही कहूँगी। महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, और रिश्तेदारों की भी यही बात है कि इतना ज़्यादा जो है वो, मेरी तो आदत है ही नहीं ना मैं किसी को इतना ज़्यादा कोई डिस्टर्ब करूँ, मुझे पता लगती है कोई बात कि मुझसे जो है वो किसी को प्रॉब्लम हो रही है, या फिर या तो कुछ ऐसा सीन होता है ना कि भाई आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए, बैठ के बात कर लीजिए। अब जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है तो अब मेरी आदत नहीं है, मैं अपने ऊपर बहुत ज़्यादा जबर कर लेती हूँ, और अपने ऊपर जबर करके मैं अपने आप को एक साइड में करके बैठ जाती हूँ, और अल्लाह से जो है वो रुजू कर लेते हैं, अल्लाह से बड़ा जो है वो आपका कोई हमदर्द रहम करने वाला आपका कोई होता नहीं है, तो अल्लाह से रुजू कर लेते हैं, और अल्लाह से जो है वो रुजू हर वक्त रखना चाहिए, खाली इसी टाइम नहीं, बस हर वक्त अल्लाह ताला से ही रुजू है। तो बस यही सिलसिला है कि जब कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो बहुत ज़्यादा फिर स्ट्रेस, तो वो सारी चीज़ जो है वो आपके अंदर आती है जब आप अपने ऊपर जबर करते हैं। और क्योंकि बात सारी होती है कि जब आपके साथ जो है वो कोई बात करना चाहता है तभी वो बात क्लियर होती है, अदरवाइज़ जो है वो आप ऐसे ही हलकान होते रहते हैं। तो फिर होता क्या है कि भाई अपने आप को अपने घर में जिस तरीके का भी है उसमें एडजस्ट करते हैं, और उसमें जब आप जबर करते हैं अपने आप को बहुत से हालात के साथ बांधते हैं कि इस तरीके की सिचुएशन है, तो उसमें फिर आपके जो सेहत है उसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा असरात मरतब होते हैं, तो यही सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरा जो है वो हार्ट बीट्स का जो है वो बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है, तो वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हार्ट बीट्स जो है वो मेरी सही से बहाल हों। अक्सर मैंने देखा है मेरी सांस जो है वो फूल रही होती है, पता नहीं क्यों ऐसे ही फूल रही होती है, बैठे बैठे ज़रा से यूँ चल के आ जाते हैं तो सांस फूलने लग जाती है, वो इस वजह से है क्योंकि वॉक बहुत ज़्यादा कम होती है, इतना ज़्यादा चलना नहीं होता है, घर
घर में, क्योंकि ज़रा सा काम किया और खड़े खड़े काम होता है, खड़े खड़े काम करके थोड़ा सा चल फिर के फिर बैठ गए, तो वही खड़े खड़े या तो थक जाते हैं, तो उसमें हार्ट बीट आपकी कौन सी होगी ना, तो ये सारी सिचुएशन है। तो मेरा जो है वो इस तरह का सांस फूलना, ये सारी सिचुएशन है, तो ये सब चीज़ें सिलसिले चल रहे हैं, तो इस वजह से जो है वो मुझे मेडिसिन लेनी है। और अभी जो है वो कुछ बेहतर मेरी तबीयत हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मर्ज़ी है हर चीज़ में ना, तो बस थोड़ी सी मेरी तबीयत बहाल हुई है, तो मैं जो है फिर जाहिर सी बात है इंसान जो घर में कर सकता है वही करेंगे, तो मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग बनाती हूँ, आप लोगों के साथ बात करती हूँ, तो मेरा थोड़ा दिल जो है वो हल्का हो जाता है। ये सारी सिचुएशन होती है सारी की सारी, तो बस वरना जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है। मैंने घर में ना काफ़ी मैंने सोचा था कि मैंने मछलियाँ भी रखी थी, मैंने बर्ड्स भी घर में रखे हुए थे, छोटी सी जो फिंचीज होती है ना वो मैंने जो है केज में डाली हुई थी, चार पांच थी वो मेरे पास, वो मुझे उनकी जो साउंड होती है ना वो बहुत अच्छी लगती है। ऑस्ट्रेलियन जो पैरट्स होते हैं वो भी मैंने रखे हुए थे, लेकिन पता नहीं क्या अपनी अपनी सबकी सोच होती है, मुझे तो ये बर्ड्स और इन सब की आवाज़ें जो मुझे आ रही होती करके मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा करीब हो गई हूँ, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा पहले रखी हैं, बहुत ज़्यादा बोलने के बाद मुझे जो है वो खुर्रम ने ला के दी हैं ये चीज़ें, लेकिन फिर वो वापस से रिटर्न कर देते हैं। कई बार ऐसा हुआ है, कई बार मैंने चिकन के जो है वो चूज़े ले आती हूँ, एक दो बार बत्तख के चूज़े ले आई, फिर वो रखने की जगह नहीं होती ना, बत्तख के चूज़े मैं लेके आई थी वो इतनी जल्दी बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बड़े हो गए, उनका केज छोटा पड़ गया था, फिर वो घर में हमारे रखने की जगह नहीं थी, फिर इस वजह से हमने उसको दे दिया। तो कई बार ऐसा हो चुका है 6-7 सालों में मैंने बत्तख के चूज़े रखे, चिकन के रखे, और फिर उनको फिर रिटर्न करना पड़ता है मुझे कि चलो अब मैं थोड़ा सा इनसे इंजॉय कर चुकी हूँ, मैं उनको रिटर्न कर दूँ। इसी तरह जो है वो पैरट्स मैंने रखे थे, पैरट्स तो काफ़ी अर्से तक रहे थे, लेकिन फिर उनको भी खुर्रम ने रिटर्न कर दिया, और इसी तरह फिंचीज को रिटर्न कर दिया। अदरवाइज़ मुझे ये नेचर वाली जो चीज़ें होती हैं इनकी आवाज़ें जो होती हैं, ख़ासतौर पर मुझे फिंचीज की जो आवाज़ें होती हैं वो मुझे बहुत पसंद है, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वैसे भी बहुत बहुत क्यूट सी छोटी सी होती हैं वो, लेकिन हर एक का अपना दिमाग होता है, अपनी सोच होती है, तो मैं मुझे जो है वो फिर इतनी ज़्यादा मुझे बहस करना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। बच्चों को भी जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन जो है कई बार मैंने बर्ड्स वगैरह रखने की कोशिश की है, लेकिन उनको खुर्रम को पसंद नहीं आता कि हम जो है वो घर में बर्ड्स रखें, और हालांकि हम उनको दाना वगैरह सब कुछ देते हैं, बाहर अगर उनको उड़ा दें आज़ाद छोड़ दें तो फिर तो वो मर जाएंगे, चील वगैरह उनको खा जाती है, लेकिन मसला ये है सारा का सारा हम उनको घर में रखते हैं, घर में हमारे हम उनको देखते हैं बैठ के, जब हम कभी बोर हो रहे होते हैं। मछलियाँ भी इसी तरह की, मैंने बहुत सारी मछलियाँ ली थी, गपी फिशेस ली थी और प्लेटीज ली थी, तो वो मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो उनको जमा किया था, मेरा उनके साथ काफ़ी ज़्यादा जो है वो टाइम स्पेंड होता था, तो घर में बहुत कुछ आपके पास करने के लिए होता है इन सब चीज़ों के साथ, लेकिन सब चीज़ें होने के बावजूद जो है वो जब मैं लेती हूँ करती हूँ तो वो उनको कंटिन्यू नहीं कर पाती, क्योंकि पता नहीं क्यों खुर्रम का ये मानना है कि ये चीज़ें घर में नहीं होनी चाहिए, इन पर जुल्म होता है, आई डोंट नो कौन सा जुल्म होता है, मुझे समझ नहीं आती। हम तो उनका बड़ा ख्याल रखने की कोशिश करते हैं उनसे, बल्कि इंजॉय करते हैं, उनको देखते हैं, हमें ख़ुद से उनके वो बहुत प्यार आता है उन चीज़ों पे कि हम जो है इनको देख रहे हैं, उनको खाना डालना, उनको पानी डालना, उनको देखना है, ये सब चीज़ें होती हैं, और उनकी सेटिंग करनी है, ये सब चीज़ें जो है वो करनी होती है, लेकिन खुर्रम जो है वो उनको ये चीज़ें पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों पसंद नहीं है। और हमने वो नहीं लिया पैरट, जो ग्रीन वाला पैरट होता है जो हरी मिर्च और अमरूद खाता है, वो हमने नहीं लिया, उसका थोड़ा सा ये कि गंद लगता है, कि गंद होता है उसका। इस तरह बत्तख के जो चूज़े हमने लिए थे उनकी भी बहुत ज़्यादा स्मेल थी, गंद था, लेकिन वहाँ पर हमारा कुछ एरिया ऐसा था जब हम DHA में रहते थे, तो हमारा वहाँ पे कुछ एरिया ऐसा था कि वहाँ पे हम खुला पानी बहा सकते थे, कुछ वहाँ पे ड्रेन सिस्टम ऐसा था अप
अपार्टमेंट में हमारे, कि वो ड्रेन जब हम उधर वॉश करते थे तो उसका ड्रेन का इतना ज़्यादा इशू होता नहीं था, वरना अपार्टमेंट्स में होता ही है कि ड्रेन जो है वो आप आसानी से कर नहीं सकते। तो ये सारी सिचुएशन थी सारी की सारी। तो बस इसी तरह से जो है वो हमारा गुजर जाता है, हम परेशान हो जाते हैं कि क्या करें क्या करें, वो सारी चीज़ सारी जो परेशानी होती है, फिर वो ज़ाहिर सी बात है उसी वजह से वो तबीयत ख़राब होती है, फिर उसके लिए मेडिसिन लेनी पड़ती है। महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई है, हमारे क्राइसिस को टाइम भी बहुत हो चुका है, हमारे क्राइसिस जितने ज़्यादा हमें क्राइसिस हो रहे हैं ना उतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है। तो अल्लाह ताला हम सब के हालों पर रहम करें, और अल्लाह ताला तो हर वक्त रहम ही कर रहा होता है। मैं कभी कभी सोचती हूँ मम्मी वाली क्या दुआ करते हैं, लेकिन दुआ करना तो हमारा हक है ना, अल्लाह ताला खुश भी होता है कि हम उससे दुआ करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला तो हर वक्त रहम करता है अपने हर इंसान पे, हर बंदे पे अल्लाह ताला रहम फरमाता है। और बस दौर ही इसी तरह का चल रहा है कि नफ्सा नफ्सी का दौर है, और बस जितने हमारे क्राइसिस होते हैं उतनी ज़्यादा डबल जो है वो महंगाई होती जा रही है, दौर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। और यहाँ से जब मैंने विंडो ओपन किए ना, अभी कोई 15 मिनट हुए विंडो ओपन किए तो थोड़ी सी ठंडक हुई है कमरे में, अदरवाइज़ जो मेरा फेस है ना बहुत ज़्यादा ऑयली हो गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्यों इतनी चिपचिपाहट हो रही है। तो फिर मुझे बाद में याद आया कि मैंने तो पूरा घर बंद किया हुआ है। घर बंद करने की वजह ये है कि नीचे जो है ना बारिश हो रही है, और बिल्कुल नीचे जो है हमारे वहाँ पे आ गए हैं गाय बकरे वगैरह ना आना शुरू हो गए, क्योंकि एक आध दिन ही है अब, 9 तारीख को ईद आई थी, इंशाल्लाह 9 को ईद है। तो हो ये रहा है कि स्मेल आती है बहुत ज़्यादा, आई डोंट नो किस वजह से स्मेल आ रही है, बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है जो सर चकरा रही है बहुत ज़्यादा। तो कल भी हमने इसी तरह से बंद कर दिया था दिन में, और फिर आज भी जो है वो हमने अभी बंद किया हुआ था, मैंने ऐसे ही खोल के हल्का सा देखा था, मैंने कहा था स्मेल ना आए, तो मैंने अगरबत्ती वगैरह लगा के घर में पूरा बंद कर दिया था। एक साइड से बिल्कुल दरवाज़ा, उस साइड का दरवाज़ा खोला हुआ था, यहाँ का जो दरवाज़ा कि ये बंद की हुई थी पूरी बंद कर दी थी, टेरेस भी बंद किया हुआ था। हालांकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन जब मौसम बहुत अच्छा हो रहा है ना तो हवा अगर आ भी रही है ना तो वो स्मेल ही आ रही थी, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, इससे बंद करना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि हम नमाज़ पढ़ते हैं कुरान पढ़ते हैं तो वो ध्यान जो है हमारा ख़राब होता है। पहले बन वाले बना लो एक एक आप कैसे अपनी डाल लो तुमने कहाँ निकाल दी
तो करुण को बताना था क्या, जो तुम दीदी के अलावा हमारा लाइफ बस का खाओ पहले बर्गर खोल के दो आपको ना, तो बस से साफ करो ये आपकी दूध प्लेट जो है सीमेंट कितना करो कभी भी सॉस है कितना मज़े का लगता है मस्टर्ड सॉस है ना आगे वो करके खाते हैं बेटा, अपने ऊपर थोड़ी झाड़ते हैं आगे वाले बच्चे अच्छा जी भी कर लिया